नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए आज की वीडियो में हम ESICSSO का कंप्लीट सिलेबस जानेंगे, यानी कि फुल सिलेबस एनालिसिस करेंगे कि प्री एग्जाम में आपके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस एग्जाम में आपके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा स्किल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि फुल सिलेबस के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फेस वन यानी कि प्री एग्जाम की। देखिए प्री एग्जाम में हमारे तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिएगा जो इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे आपके 30 रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे और समय आपके पास रहेगा 20 मिनट का। इसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स से रहेंगे और समय आपके पास रहेगा 20 मिनट और क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। इसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 35 मार्क्स के रहेंगे और आपके पास जो समय रहेगा 20 मिनट का रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन रहेंगे और इसके अलावा इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिएगा बात करते हैं हम फेस सेकंड की यानी कि मेन एग्जामिनेशन। देखिएगा जो उसका मेंस एग्जाम होगा इसमें आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। देखिएगा रीजनिंग इंटेलिजेंस से आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे और आपको समय मिलेगा 35 मिनट और क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इसके बाद देखिएगा जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे और समय रहेगा आपके पास 20 मिनट का और जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। जो थर्ड सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर्स के रहेंगे और समय आपके पास 30 मिनट का रहेगा। और इसके बाद देखिएगा फोर्थ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे और 35 मिनट का आपको समय मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इस प्रकार से आपके देखिएगा 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे और समय रहेगा आपके पास 2 घंटे का। और देखिएगा जो आपका फिर सेकंड है विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी फाइनल सिलेक्शन आपका इसी पर होगा, सेकंड एग्जाम पर होगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखिएगा इसके बाद जो थर्ड स्टेप है इसका फेस टेस्ट, कंप्यूटर स्किल एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें देखिएगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट यानी CST 50 मार्क्स, 30 मिनट ड्यूरेशन, कंप्राइजिंग ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। देखिएगा प्रिपरेशन और पावर पॉइंट स्लाइड्स 10 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स का, प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज ऑफ फार्मूला 20 मार्क्स का, यानी कि आपका ये पूछा जाएगा पूरा 50 मार्क्स का, क्लियर है। और आपके पास जो समय रहेगा इसमें 30 मिनट का रहेगा यानी कि 30 मिनट का रहेगा और 50 मार्क्स का आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट। इसके बाद देखिएगा और इसमें आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे, समय रहेगा आपके पास 30 मिनट का और इसकी जो लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश, यानी आपको जो लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना पड़ेगा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 25-25 मार्क्स के भी हो सकते हैं आपके और जिसमें समय आपको मिलेगा 30 मिनट का, क्लियर है। और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।